नमस्कार दोस्तों, चर्चा बढ़ते फिल्मी अड्डे में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बॉलीवुड मूवी बब्लू बैचलर के बारे में, जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया है सिनेमा पे। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं अग्निदेव चटर्जी और इस फिल्म को लिखा है सौरभ एम पांडे ने। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस फिल्म को और जानेंगे क्या ये फिल्म आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है ठाकुर खानदान के इकलौते वारिस बबलू की, जिसे लोग वहाँ बबलू बैचलर के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि बबलू भैया एक परफेक्ट वाइफ के तलाश में आज तक दर्जनों रिश्ते ठुकरा चुके हैं। इन्हें किसी भी टाइप की लड़की पसंद ही नहीं आती। तो क्या बबलू भैया बैचलर ही रह जाते हैं या ठाकुर खानदान में भी शहनाई गूंजती है? क्या रहती है आगे की पूरी कहानी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म कहाँ देखनी? अगर आपके नजदीकी सिनेमा पे ये फिल्म अवेलेबल है तो आप जाके देख सकते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट एंड स्टोरी टेलिंग ठीक ठाक रहती है। ऐसे शादी वाले काफी फिल्में इससे पहले भी बन चुके हैं, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अलग है। स्क्रीन प्ले अच्छा है, लेकिन फिल्म का पेस बीच बीच में स्लो पड़ जाता है, जो शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन फिल्म अपने ट्रैक पे ही चलती है, कहीं भी ट्रैक से भटकती नहीं है, जिस वजह से हम इजीली फिल्म से कनेक्ट हो पाते हैं। सिनेमाटोग्राफी एंड बीजीएम भी ठीक ठाक है, डायलॉग्स काफी इम्प्रेसिव है। इस फिल्म में लीड रोल में है पूजा चोपड़ा, शर्मन जोशी, तेजस्वी प्रधान, मनोज जोशी, राकेश शर्मा, सुमित गुलाटी आदि आदि जैसे कलाकार। शर्मन जोशी को बबलू का कैरेक्टर काफी सूट करता है, उनका कैरेक्टर पूरे फिल्म में स्टैंड आउट करता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी एकदम टाइम पे रहती है। पूजा चोपड़ा एज अवंतिका लुकिंग ब्यूटीफुल एंड उनका कैरेक्टर भी काफी अच्छा रहता है। तेजस्वी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है। फिल्म अपना एक स्पेशल जगह बनाते हैं सुमित गुलाटी, इनकी कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट रहती है। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो सभी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है। फिल्म में ह्यूमर को काफी नेचुरली प्रेजेंट किया गया है, जो आपको गुदगुदाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कैरेक्टर को भी ठीक ठाक से डेवलप किया गया है। फिल्म में 3-4 गाने भी रहते हैं, जिसमें से कुछ गाने तो अच्छे लगते हैं और कुछ नॉर्मल। इसकी एडिटिंग मुझे एवरेज लगी। 2 घंटा 10 मिनट की इस फिल्म को भी 10 से 15 मिनट तक और शॉर्ट किया जा सकता था, जो शायद थोड़ा लेंदी फील होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फैक्टरी रहता है। इन शॉर्ट ये एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है। अगर आप बहुत टाइम से एक फैमिली फिल्म के तलाश में, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं इस फिल्म को रेट करता हूँ 7.1 out of 10 stars। पैंडागार्डन की बात करें तो ये टोटली फैमिली फ्रेंडली, आप पूरे फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इसे पहले देखा है तो आपको ओपिनियन कैसा रहा हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, नहीं देखो तो आप इसे देख ले। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करें सब दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद हो। और हाँ, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट देखने के लिए।